बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरजराज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आप हिंदी का पेपर देख रहे हैं, जो हिंदी काव्य का पेपर है और ये पेपर मेरठ यूनिवर्सिटी का है, मतलब कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर है, मेरठ यूनिवर्सिटी से बोला जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ है अभी हिंदी का हाल ही में, तो 75 नंबर का पेपर हुआ। मतलब सभी यूनिवर्सिटी जितनी भी है, यूपी की ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जिसका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, उसमें जो हो रहा है 75 नंबर का ही पेपर हो रहा है। टोटल पेपर 75 नंबर का ही है सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर और सिलेबस सेम है। तो याद रखिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं है और पेपर आपका होने वाला है या हो चुका है तो, या फिर आगे आप 2023 में देने वाले हैं पेपर, जो भी छात्र 2023 में देने वाले हैं, 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आपको देख के जाना है, एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चनों को आपको सबको देख के जाना है। अब देखिए, हिंदी काव्य का पेपर है, आप ये देखेंगे क्या क्या। देखो, सेक्शन ए में सबसे पहले सभी यूनिवर्सिटियों में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर यूनिवर्सिटी का यही तरीका है। बाकी एक जो आप देख रहे हैं, एक आगरा यूनिवर्सिटी है, उस आगरा यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्टिव मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हैं, बस एमसीक्यू, बाकी किसी ने कराए। अब यहां देख सकते हो, 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 75 नंबर में आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देख लीजिएगा, अब यहां बोला गया है 5 क्वेश्चन के आपके आंसर देने होंगे, वो भी 75 शब्दों में, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे, 15 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी काव्य के इतिहास की प्रमुख विशेषता बताने, मतलब जो जो कह सकते हैं जो शुक्ल जी थे उनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा गया था, जो लिखा गया था उसकी क्या विशेषता थी, विशेषता के बारे हमसे पूछा है, तो उन विशेषता के बारे में आपको यहाँ याद करके जाना था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके बाद में देखो, हम 2022 में आने वाले क्वेश्चन हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, वही इसी प्रकार से 2023 में भी आने वाले क्वेश्चन हम देंगे अगले साल को। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिए, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ एक हमारा न्यू चैनल हमने खोला है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा है, देखो एग्जामिनर ने बोला है कि भारतेंदु जो युगी है उनकी कविताओं की विशेषता बतानी है, मतलब कि जो भारतेंदु युगी थे, मतलब जो भारतेंदु लोग थे, उनकी कविता जो उन्होंने लिखी थी उसकी विशेषताएं क्या थी, उन कविताओं की विशेषता आपको बतानी है। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि भक्ति कालीन जो कृष्ण और कृष्ण भक्ति धारा की विशेषता, मतलब कि जो कृष्ण भक्ति धारा थी उसकी विशेषता क्या रही थी, ठीक है, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना था। सब विशेषताओं के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है, आप देख सकते हैं, और उसी प्रकार से हमसे ये पूछा गया। आप याद रखना, जो क्वेश्चन हम आपको दें 2023 में, बस वही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ मत देखना, आप टॉप करने वाले हो 2023 में भी। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी छात्र 2023 में पेपर देने वाले हैं सभी छात्र जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और 2022 में आपने दिए हैं, 2023 में सेकंड सेमेस्टर का भी देंगे, या फिर 2023 में फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट आने वाले हैं, जो भी हाल ही में इंटर उन्होंने किया है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहां देखिए, यहां बोला गया है रिक्ति जो रीतिमुक्त कविता थी, ठीक है, घनानंद का महत्व क्या था, घनानंद क्या, जो घनानंद थे उनके उनके द्वारा जो दिए गए महत्वों के बारे में एक्सप्लेन करना था। वहीं अज्ञ जो थे, अज्ञ के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहा जाता है, अज्ञ जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, ये स्पष्ट आपको करने के लिए बोला गया, ठीक है। और वही हम नीचे चलते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं खंड की बात करें, खंड का लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए और यहाँ बोला गया कि 3 पदांशों के 2 आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, जैसे कि यहाँ बोला गया है प्रत्येक व्याख्या करनी है आपको 7.5 नंबर का है। अब यहाँ कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरी प्रश्न, और 200 वर्ड में आपको आंसर देना है, 7.5 नंबर का है, मतलब 2 क्वेश्चन आपको यदि दे दोगे 3 क्वेश्चन के आंसर देना है, कि नहीं 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन के आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, 2 क्वेश्चन का आप आंसर दोगे तो 15 नंबर के आपके क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जैसे कि यहां से पहला छठा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक दिया गया है कि यूही तन जलोह मसी करो, ठीक है, कह सकते हैं लिखो राम नाउ, मतलब एक कह सकते हैं कहावत जबकि दे रखी है, तो इसमें आपको ये बताना है, ये गद्यांश सहित आपको यहाँ देखो बोला गया है, एक क्वेश्चन को भी देखा जाए तो आपको बताना है संदर्भ सहित व्याख्या करना, मतलब इसका आंसर, इसका अर्थ क्या है, अर्थ बताना है, और ये कहां से लिया गया है, ये आपको देखेंगे संदर्भ वर्ण कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, वो आपको लिखना है। अब देखो यहाँ उन्होंने 7वें वर्ड कोई छात्र है ना, उसने लिख रखा है कि घनानंद से लिया गया, ये घनानंद के राइटर है, तो इसके राइटर घनानंद है, ये कहां से लिया गया है उसके बारे में आप लिख दीजिए। तो देखो घनानंद यहाँ देखो बीच में दे रखा है, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन फंस रहे हैं, याद रखना ये क्वेश्चन शायद एक बार बिल्कुल ऐसा ही पेपर छपा है पहले किसी यूनिवर्सिटी का, मैंने देखा था, तो वैसा यूनिवर्सिटी आपका छाप रही, तो सभी छात्र सारे यूनिवर्सिटी के जितने पेपर हम लोग अपलोड करते हैं आप सभी लोग भेजा करो जो भी पेपर हुआ करे, ताकि आपको समझ में आ जाए। वही बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो यहां कह रहा है पलके, यहां कह रहा है पलके मन के फेर, ठीक है, पुजारी विश्व सो गया, ठीक है, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रसरो बीचो खो गया, और सांसों की समाधि सा जीवन,
मसी सागर का पथ पंथ गया बन और रुको मुखर कण कण स्पंदन। इस तरीके से एक पूरा कहावत बोला गया है और ये आपसे बोला गया है प्राण कह रहा है प्राण रूप फिर से ढलने दो। तो ये जो आप यहां से यहां तक आप देख रहे हैं इसको अच्छी तरीके से मेंशन कर रहा है क्या है कैसे क्या है वो चीज आप देख रहे हैं। अब यहां देख लीजिए यहां बोला गया है खंड क्षा की बात करें विस्तृत उत्तरी प्रश्न बोला गया है इनको आपको देखना है। यहां देखो नोटिस कर रहा है पांच प्रश्नों को उत्तर दीजिए, तीन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है भाई, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है आपको विस्तृत आपको बताना है, मतलब पांच क्वेश्चन दे रखे हैं कि तीन क्वेश्चन के आंसर देना है ये बोला गया है, कोई भी दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं पांच में से, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो 15 नंबर का आपको मिलेंगे। अब यहां देखो यहां कह रहा है विद्यापति की जो पदावली रचना थी ठीक है कि भाव एवं कला पक्ष पर प्रकाश डाली, मतलब उनके कला पक्ष क्या थी, जो पदावली एक रचना थी उसकी भाव क्या थे, क्या भाव थे उनके कला पक्ष क्या थी ये आप देखना है विद्यापति द्वारा बोले गए हैं। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। अब इस तरीके से आप 2023 के जो भी पेपर स्टूडेंट देने वाले हैं यही फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो आप इन क्वेश्चनों को रट के जाना याद रखना। यहाँ क्वेश्चन देखो भक्ति काल हिंदी साहित्य के सर्वगुण था इस कथन पर समीक्षा करिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। वही पूछा गया कि निराला के काव्य के जो प्रति कह सकते हैं प्रगतिवादी चेतना है उसके प्रसिद्ध निबंध आपको लिखने के लिए बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि रीतिकालीन जो कवियों ने जो रीतिकालीन कवि थे उन्होंने जो बिहारी का जो स्थान सर्वपरि है ये आपको एक कह सकते हैं सुधारण सहित मतलब एक आप उदाहरण को सहित आपको समझाना है, ये आपको समीक्षा करनी है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया 13वां क्वेश्चन की धर्मवीर भारती थे उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताना, जो काव्यगत जो विशेषताएं थी धर्मवीर भारती की उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, तो ये देख सकते हैं। और मैं उसके बाद में यही आपका CCS यूनिवर्सिटी का एक पेपर और आया हुआ है मेरे पास जो जियोलॉजी का है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ओके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ खिलाड़ी भाई XYZ को भी हम सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।